बाहर आ गया, उसके अंदर समा गया और इसको पागल करके जंगल भेजा। और जंगल में जब ये पहुंचा तो लोग इसको देखकर कहने लगे, अरे ये कौन है भाई, ये तो वही अजीब सा लड़का है जो फिल्म देखकर आता है। तो इसके फिल्में, इसके दिमाग में फिल्में चलती रहती है, कहानियां बुनता रहता है, किताब पढ़ता है तो कहानियों को जीता रहता है, ये आराम से चलता है, लेकिन इसके दिमाग में ज्वालामुखी फटता रहता है, ये तो वही प्रोफेसी वाला लड़का है। अरे ये आर्टिस्ट है यार, इसको भगाओ यहां से, जंगल से भगाओ, भगाओ, बर्बाद कर देगा ये। एक इंसान बनाया पहले तो, उसे दो पैर दिए चलने के लिए, दो हाथ दिए इस्तेमाल करने के लिए, दो आंखें दी देखने के लिए, दो कान दिए सुनने के लिए, एक नाक दिया सूंघने के लिए, एक मुंह दिया बोलने के लिए, और इन सब का इस्तेमाल करने के लिए दिया दिमाग। ये ठीक था, पर अब दे दिया दिल। ओ गॉड, और ऊपर से कहा कि सुन, तू ना नीचे जा और नीचे जाकर अपनी मर्जी से जो करना है वो कर, जिसके पास जाना है उसके पास जा, जहां घूमना है वहां घूम, जो खाना है वो खा, जो करना है वो कर, तुझे कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। अब इस बंदे ने जब ये सुना, खुश और खुशी खुशी नीचे आने लगा। नीचे इसलिए आ रहा था क्योंकि वहां पर दूर खड़ा एक मिडल मैन उसका इंतजार कर रहा था। अब मिडल मैन कौन है? अब मिडल मैन क्या करता है, जो भी ऊपर वाला बनाता है ना उसको लेकर आता है नीचे। अब ये बंदा तो पता है कि ऊपर से जो भी आएगा उसको नीचे। तो ये जब नीचे आ रहा था हमारा हीरो, तो बड़ा खुश था। यार भगवान ने बोला यार तू बड़ा बेस्ट है, यार मेरा बेस्ट पीस है, एकदम चौड़े में खुश खुश नीचे आ रहा है। तो वो उधर खड़े होकर देख रहा है, ये क्या भाई, पहली बार किसी को देख रहा हूं जो इतना खुश है, माजरा क्या है, पूछू तो सही। पहुंच गया उसके पास और बोला, क्या बात है भाई, इतने खुश क्यों? उसने कोई पट्टी पढ़ाई है तुम्हें? हैं? अब ये बंदा खुश, हाँ उन्होंने ना मुझे कहा है कि तुमने मेरे बेस्ट क्रिएशन हो, उन्होंने मुझसे कहा है तुम ना नीचे जाओ, तुम नीचे जाकर जहां जाना है वहां जाओ, जिससे मिलना है उससे मिलो, जो करना है वो करो, जो पहनना है वो पहनो, और उन्होंने ये भी कहा कि कितना कुछ है करने को, थोड़े कुछ में खुश मत होना, संसार दे रहा हूं जीने को, छोटी सी दुनिया बसा कर खुश मत। उन्होंने ये भी कहा कि वहां पर ना बहुत सारे सवाल हैं, उन सारे सवालों के जवाब खुद ढूंढना, खुद कहानियां बनाना, उनके खुद के जवाब ढूंढना, किसी और के मत सुनना। तो मैं तो बड़ा खुश हूं भाई। अब ये अच्छा यार ये ऊपर वाला सुनता नहीं रहा, नहीं सुन रहा, ये बहुत भोला है, इसको लगता है वो जो पुरानी बातें हैं ना वो अभी भी चलती है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम जैसे ही नीचे जाओगे तुम्हें एक मैनुअल पकड़ा दिया जाएगा जिसमें लिखा होगा कब उठना है, कब क्या खाना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, कैसे पहनना है, किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी, किससे क्या बात करनी है, कब रोना है, कब हंसना है और कब सोना है, और उस मैनुअल का नाम है सोसाइटी। अब इसने कहा नहीं ऐसे कैसे, उन्होंने बोला है कि वहां सवाल हैं, अब खुद जवाब ढूंढूंगा, मैं नहीं मान रहा। मत मानो, मेरा क्या, सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं भाई, सिंपल सी बातें मैं बताता हूँ, ये आसमां है नीला क्यों, ये पानी गीला गीला क्यों, गोल क्यों है ये जमीन, सिल्क में है नरमी क्यों, आग में है गर्मी क्यों, दो और दो पांच क्यों नहीं, तीन है ये मौसम क्यों, चांद दो क्यों नहीं, सरहदों में जंग है क्यों, बहता लाल रंग क्यों, बहती क्यों है हर नदी, होती क्या है रोशनी, तारों में नहीं तारे क्यों है टूटते, बादलों में बिजली है क्यों, इन सभी सवालों के जवाब मिल चुके हैं। तुम्हें वहां जाना है और रटना है, याद रखना, रटो, समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम समझने की कोशिश करोगे, खैर नहीं समझने की कोशिश मत करना, 21 सालों तक रटते रहना और 21 साल के बाद लात मारकर तुम्हें एक जंगल में भेज दिया जाएगा जहां पर बड़े बड़े कॉन्क्रीट के पेड़ हैं, वहां लटका दिया जाएगा। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो तुम्हारे मुताबिक तुम्हें कोई काम मिल जाएगा, अगर नहीं रही तो चिंता मत करो, बहुत बड़ा जंगल है, कहीं ना कहीं फंस जाओगे, और 65 साल तक वही काम करते रहना, करते रहना, करते रहना, करते रहना, करते रहना, करते रहना। और
जब थक जाओगे बाहर आना और कहना उठा ले यार। हालांकि वो सुनेगा नहीं, पर बोल देना एक बार। अब इसकी हालत खराब हो गई। जब ये सारे लेक्चर दे रहा था ये निकल भागा, इसने देख लिया और कान पकड़कर, जोर से कान पकड़कर नीचे लेकर गया और जमीन पे जो पटका, रोता हुआ बाहर आया। बताओ। और जैसे ही बाहर आया, इसकी मुलाकात सबसे सोफिस्टिकेटेड बंदे से हुई। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बंदा है और बड़ा सा नाम है। नाम है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर एक थ्योरी भैया का बहुत बड़ा हाथ है। थ्योरी भैया का इतना बड़ा हाथ है कि प्रैक्टिकल भैया को दिखता ही नहीं है कि भाई चल क्या रहा है। मगर हमारा जो हीरो था वो तो अलग था। इसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, ये सवाल करेगा। अब इसने सवाल किया, सबसे पहला सवाल बड़े जोश के साथ किया, क्लास में बैठा और कहा, मैडम ये अल्फाबेट ए है, ये अल्फाबेट बी है, ये बीच में प्लस जो है ये मैथ्स का है, ये दोनों इंग्लिश के हैं, ये कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? ऊपर से ये ब्रैकेट लगा रखा है और ऊपर ये मैथ्स का टू, क्यों? उसी जोश के साथ मैम ने कहा, ए बक बक। हिम्मत टूटी पर अभी भी सवाल पूछने की इच्छा थी। फिर से सवाल किया, मैडम ये पंछी हवा में उड़ते हैं, इंसान धरती पर, मछलियां पानी में, इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों? मैडम ने कहा, चुप बैठ जाओ। अब इसकी सारी हालत खराब हो चुकी, फिर भी सवाल करना था। फिर सवाल किया, अब टोन ही अलग थी। मैम मुझे थ्योरी भैया का कुछ समझ ही नहीं आता, पता नहीं क्या बोलता रहता है, और मुझे ना पक्का यकीन है 21 साल के बाद लात मार के जंगल भेज देंगे मुझे, वहां किसी पेड़ पर लटका देंगे, 65 साल तक काम करता रहूंगा। अच्छा एक बात बताओ, कोई ऑप्ट आउट का ऑप्शन है कि अपनी नई दुनिया बना लूं? वो लोग भी ऐसी ताली मार रहे थे, बस हंस रहे थे और जोर जोर से हंसने लगे। इसकी हालत खराब हो गई, भागता हुआ गया और जाकर अपने कमरे में बैठ गया। चुपचाप रो रहा था, जोर जोर से रो रहा था, इतनी जोर से कि उनकी हंसी की आवाज ना आए। अब जब ये रो रहा था, तब इसने सामने शीशे में किसी को देखा। कोई था जो हंस नहीं रहा था, कोई था जिसके आंसू थे, कोई था जो दुखी था उसकी तरह। ये उठकर गया उसके पास और इसे एहसास हुआ, ये तो मैं ही हूं। और साथ में एहसास हुआ कि अगर सवाल इसके हैं तो जवाब भी तो खुद ही ढूंढने पड़ेंगे ना, कोई आकर बताएगा नहीं। तो इसने सवाल किया उससे, वही पहला सवाल। अब अंदर से आवाज आ गई, अरे भैया हम बताते हैं क्या बात है, ये जो अल्फाबेट ए है ना वो अकेला रहता था, ये अल्फाबेट बी जो है ये भी अकेला रहता था, दोनों साथ में आ गए तो नाम तो देना पड़ेगा रिश्ते का, तो प्लस दे दिया नाम। अब गली मोहल्ला थोड़ी घूमते रहेंगे, घर खरीद लिया ब्रैकेट नाम का, और एक मंजिला घर किसको चाहिए, इसलिए टू लगा दिया, दो स्क्वायर हो गया, बस यार कान। यार सही है यार। अच्छा वो जो दूसरा था वो कि पंछी ये इंसान ये उसका, अरे इसका भी बहुत, इसका पहले आंसर तो वो चार्ल्स भैया दे चुके थे, चार्ल्स डार्विन। अरे वो कहत रहे कि पानी से सब निकले हैं, हम पानी के पहले की कहानी बताते हैं, क्या हुआ कि वहां झगड़ा हो गया, अब झगड़ा हो गया तो तीनों में बनी नहीं, तो ट्रीटी साइन हुई, कहा गया कि ए पंछी हो तुम हवा में रहो, ए इंसान हो तुम जमीन पर रहो, हम मछलियां यहां पर रहेंगे, तो बकायदा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बस बात खत्म यार। ओ भाई साहब ऐसा क्या, सही है यार, क्या आंसर बताया यार तुमने। अब ये तीसरा सवाल करने वाला था,
पर खुशी कब तक खैर मनाएगी, कभी ना कभी तो भिंडी बाजार आएगी, और लाने वाला कौन था, वही पड़ोसी। अब पड़ोसी ने सुन लिया, पड़ोसी ने जब सुना तो वो चला गया उसके मम्मी पापा के पास और कहने लगा, अरे भैया हमने सुना है आपका बेटा पागल वागल है, चिल्लाता रहता है, चीखता रहता है, पता नहीं क्या क्या भाषा करता रहता है, हमको तो डर लगता है कि इसको कुछ बीमारी हो गई है, वो जो पुरानी बीमारी थी ना यही नाम की अपेंडिक्स। अरे नहीं नहीं, वो जो यहाँ ऐसे धक धक होता है उसका, वो कुछ होता है ना, उसको कुछ दिया होगा ऊपर वाले ने, कुछ पुरानी प्रोफेसी हुई थी, अस्थमा। अरे नहीं, वो ये नाम से क्या होता है, क्या होता है मोहित भाई, आर्टिस्ट। आर्टिस्ट नहीं बने कभी, तुम आर्टिस्ट बनोगे, पेट काट काट के बड़ा किया, चुपचाप 21 साल तक जो रटाया जा रहा है रटो, फिर जंगल जाना है तुम्हें। तीसरा सवाल ही नहीं पूछा, वही फिर क्या हुआ, फिर वही हुआ, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम बॉयज रेडी टू गो इनटू द जंगल वेयर सोशल एनिमल लिव्स, दे नो हाउ टू टॉक, दे नो हाउ टू वॉक, they know how to talk again, they know everything, और इसे खरोचने लगे, कोई यहां से, कोई यहां से, कोई ऊपर से, कोई नीचे से, और इसकी हालत खराब हो गई, इतनी हालत खराब हुई कि 30 दिन के बाद यहां से भाग जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे ही 30वां दिन आया जानवरों को पता चल गया, बुला लाए उसको वो जो सांप लेकर घूमता रहता है ना, सैलरी भैया। सैलरी भैया आ गए। अब सैलरी भैया आए तो मरहम पट्टी लगाई, खाने के लिए कॉन्टिनेंटल मंगवाया, चाइनीज मंगवाया, ठंडा गरम सब मंगवाया, और खाकर ये बोला, यार एक और बार खरोच खा लेता हूं यार। सही है यार, मरहम पट्टी लग जाती, वो तो ठीक था, पर सैलरी भैया ना अपने साथ सांप लेकर घूमता है, वो वोल्डेमॉर्ट नहीं घूमता जैसे, वो तो काटता नहीं था, मैंने देखा नहीं किसी को काटते हुए, लेकिन ये काटता नहीं, ये कुंडली मारता है, और इस सांप का नाम पता है क्या है, कंफर्ट, और जोन बना लेता है, तो कंफर्ट जोन में फंसा दिया उसको। अब वो कंफर्ट जोन में फंस कर रह गया। अब आप सबको लगेगा कहानी खत्म, हीरो जो है उठेगा, ब्रश करेगा, खाना खाएगा, ऑफिस जाएगा, फिर आएगा, फिर सोएगा, फिर खाएगा, फिर उठेगा। नहीं, गड़बड़ तो हुई, गड़बड़ ये हुई कि वो अपने साथ शीशा लेकर आ गया, याद है वो बचपन का, वो शीशा लेकर आ गया, और वो शीशा हर रात को उसको परेशान किया करता था सवाल पूछ के, किस रंग का दिल है तेरा, क्या चाहता है, हाँ बोलना क्या चाहता है। आधी रात को उठ जाया करता था, उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया, सारी हालत खराब हो गई, दो दोस्त भी मैंने उसके, डिप्रेशन एंजाइटी, रात को आकर उठा दिया करते थे। एक दिन इसने सोचा कि भाई किस्सा खत्म, आज ना किस्सा खत्म करता, गया घर, शीशे के सामने खड़ा हुआ, क्या चाहता है यार, दिमाग खराब करके रखा है मेरा, पता नहीं क्या क्या सोचता रहता हूं। कोई बंदा सामने से जाता है और कोई गाड़ी आ रही होती है तो लगता है एक्सीडेंट हो जाएगा अभी, कोई यहां पर हंस रहा होता है तो मैं सोचता हूं क्यों हंस रहा होगा, क्या कहानी है इसके पीछे, कोई रो रहा होता है तो सोचता हूं क्यों रो रहा होगा, क्या कहानी है इसके पीछे, मैं लोगों को घूर घूर के देखता हूं, लोग पागल कहते हैं यार मुझे, क्या चाहता है यार, क्यों दिमाग खराब कर रखा है तूने मेरा, छोड़ देता है यार, छोड़ाया था ना बचपन में, छोड़ दे यार, पर ये गलती कर दी उसने, इतने सालों से सवाल नहीं पूछा था, वो तो भरा बैठा था, इसने सवाल पूछ दिया, अब सवाल जो पूछा तो ताला खुल गया,
वो बाहर आ गया, उसके अंदर समा गया और इसको पागल करके जंगल भेजा। और जंगल में जब ये पहुंचा तो लोग इसको देखकर कहने लगे, अरे ये कौन है भाई, ये तो वही अजीब सा लड़का है जो फिल्म देखकर आता है तो इसके फिल्में, इसके दिमाग में फिल्में चलती रहती है, कहानियां बुनता रहता है, किताब पढ़ता है तो कहानियों को जीता रहता है, ये आराम से चलता है लेकिन इसके दिमाग में ज्वालामुखी फटता रहता है, ये तो वही प्रोफेसी वाला लड़का है। अरे ये आर्टिस्ट है यार, इसको भगाओ यहां से, जंगल से भगाओ, भगाओ बर्बाद कर देगा ये, भगाओ इसको। उसको लात मार के जो भगाया तो कुंडी ताला तोड़ के भागा, ना जाने क्या छोड़कर भागा, जंगल भागा, पहाड़ भागा, ना जाने कहां कहां भागा, और जाकर पहुंच गया समुंदर के किनारे। समुंदर के किनारे पहुंचा तो वहां पर उसे बवंडर मिले। बवंडरों का नाम देखो, सेल्फ डाउट। वो इधर भागे तो वो इधर आए, वो इधर भागे तो इधर आए, पीछे भागे पीछे जाए, आगे जाए आगे जाए, और थक गया। इसने आंख बंद करी, आंख में उंगली डाली, घुस गया। बवंडर ने जो घुमाया एक ऐसी जगह पटका जो खाली था, एकदम खाली, कुछ नहीं था वहां, रेगिस्तान जैसा। अब देखो ऊपर वाला ना टाइमिंग का बड़ा पक्का है, ऊपर से कहता, ओए दुनिया बनानी थी ना तेरे को, देख खाली जगह दी है मैंने, बना, हिम्मत टूटी तो नहीं ना तेरी, याद रखना तेरे को वो दिया है जो किसी को नहीं दिया, तू पहला है, लोग फॉलो करेंगे तुझे, खड़ा हो जा। वो खड़ा हो गया, उसे लगा मैं तो अकेला हूं, तब उसे एहसास हुआ, नहीं यार अकेला कहां हूं, वो है ना शीशे वाला। बाहर आया, फिर शीशे से आवाज आई, जिस रंग का दिल है तेरा मैं जानता हूं, मैं भी तो वही हूं जो तू है, बस करने का एक अलग ढंग है, छोड़ना ये सब, आजा हाथ मिलाते एक नई दुनिया बनाते, एक ऐसी दुनिया जो खुली हो, आरामदायक हो। और ये थी दुनिया के सबसे पहले आर्टिस्ट की कहानी।